अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बेटमा की 5 महिलाओं को अलग अलग क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर इंदौर में लोक सांस्कृतिक मंच और संस्था गोवंश मंथन ने ग्रामीण परिवेश की 5 आत्मनिर्भर महिलाओं को सम्मानित किया। साथ ही आत्मनिर्भर भारत की वेबसाइट का लोकार्पण किया गया। इंदौर के SGSITS कॉलेज के सभागार में प्रारंभ हुए कार्यक्रम में इंदौर के सांसद शंकर लालवानी, इंदौर एयरपोर्ट डायरेक्टर आर्यमा सान्याल एवं संस्था गोवंश की संस्थापक मोनिका अरोड़ा नई दिल्ली ने ग्रामीण क्षेत्र से आई महिलाओं का सम्मान किया। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा एवं प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से किए गए इस कार्यक्रम में मुख्यतः पशुपालन, नर्सरी, डेयरी एवं कृषि संबंधी कार्यों में अपना सराहनीय योगदान देने वाली महिलाओं, गौशाला चलाने वाली महिलाओं का गोपुत्री सम्मान से सम्मानित किया गया। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। और इनके जो अनुभव लोक संस्कृति मंच और आत्मनिर्भर भारत को जो नई दिशा दे रहे हैं, गोवंश मंथन को मजबूती दे रहे हैं। सांसद जी द्वारा हमें यहाँ पर आज आमंत्रित किया गया, गोपुत्री सम्मान हमें मिला, उसके लिए हम सांसद जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। आज हमें बहुत खुशी हुई कि हमें जो गोपुत्री सम्मान मंच आज हमें सौभाग्य मिला। और हमें जैसे ऐसी उभरती हुई चीज़, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में हमने इंटरनेशनल नेशनल कर रखा और ऐसी प्रतिभाओं को उनने लाके और यहाँ हमारा सम्मान करा, हमें बहुत आज बहुत खुशी हुई इस चीज़ की। सांसद जी का मैं आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। उसमें कार्यक्रम हुआ पंचायत महिला से और महिला दिवस पर हम प्रतिवर्ष कार्यक्रम करते हैं, पर ये कार्यक्रम अनूठा कार्यक्रम है। सामान्य तौर पर शहरों की महिलाओं को सम्मानित किया जाता है, पर इस बार लोक संस्कृति मंच ने यह निर्णय लिया कि हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र में वो महिलाएं जो गांव में रहकर आत्मनिर्भर भारत की, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है आत्मनिर्भर भारत, उसको लेकर आगे बढ़ रही हैं। हमने आज ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग विधा में जो काम कर रही हैं हमारी माता बहनें, उनका सम्मान किया है और गोपुत्री सम्मान किया है, क्योंकि हमारे ग्रामीण परिवेश की महिलाएं और ग्रामीण में रहकर किस स्थिति परिस्थितियों में वो काम कर रही हैं। हमने देखा कि खेल कूद हो, सरपंच के रूप, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, हर क्षेत्र में, प्रशासनिक हो, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, ताकि उनका हमने सम्मान किया है। सर, महिलाओं को आप आज जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी बात करते हैं कि हम कदम से कदम मिला के चलेंगे, महिलाएं हमसे कम नहीं है, और इसी को लेकर हम आत्मनिर्भर प्रशिक्षण केंद्र यहाँ इंदौर में प्रारंभ किया है, उसमें उनको प्रशिक्षण हम समय समय पर देते रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।